आप देख रहे हैं क्रिकेट टाइम्स और आपके साथ मैं पुलकित त्रिगुन। भारत में विराट कोहली, सुरेश रैना, रोहित शर्मा को तो हर कोई जानता है। ये हर जगह आज के दौर में प्रख्यात हैं, इस वजह से इनके लाखों करोड़ों फैंस हैं। लेकिन भारत में आज के दौर में दिव्यांग क्रिकेट इतना प्रसिद्ध नहीं है। तो आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाएंगे जो कश्मीर की वादियों से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम कमा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे हम बात कर रहे हैं उमरान मलिक की, लेकिन ऐसा नहीं है, हम बात कर रहे हैं दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान। हमारे साथ है सैयद शाह अजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदाब, नमस्कार। जी, शुरुआत करेंगे आपकी क्रिकेटिंग जर्नी को लेकर। कैसी रही अब तक की आपकी क्रिकेटिंग जर्नी, आपने कैसे शुरुआत की? क्रिकेटिंग कैरियर मेरा 2000 से स्टार्ट हुआ। पहले तो दिव्यांग क्रिकेट तो हमें भी नहीं मालूम था, तो हम नॉर्मल प्लेयर के साथ ही खेलते थे। 2003 या 4 में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट हुआ, जिसमें कोई 6 डिस्ट्रिक्ट में भाग लिया था। तो उसमें हमारी टीम जो है मिल रही थी, तो उसमें मुझे भी मौका मिला था खेलने का। तो वहां से मेरी रुचि इस क्रिकेट में और ज्यादा बढ़ी। उसके बाद 2007 में मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की। 2007 से लेके 2009 तक इंजीनियरिंग के दौरान, यहाँ तकरीबन 250 किलोमीटर इंजीनियरिंग कॉलेज हमसे यहाँ से दूर था, तो इंजीनियरिंग के दौरान मैंने अपनी जो क्रिकेट कैरियर था वो मैंने वैसे ही जारी रखा। संडे टू संडे हमारी मैचेस होते थे नॉर्मल प्लेयर के साथ। तो ये एक बड़ा सवाल ये है कि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि दिव्यांग क्रिकेट होता भी है। आपको कैसे पता चला आप इस खेल में आगे बढ़? सर, 2013 की बात है, हमने दिव्यांग क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा सुना, तो यूट्यूब पे हमने सर्च किया, तो हमें पता चला कि दिव्यांग ये क्रिकेट भी एक अलग से सिर्फ दिव्यांगों की ही क्रिकेट है। उससे पहले तो हम नॉर्मल प्लेयर के साथ ही खेलते थे। तो 2013 में मेरा एक फ्रेंड था शाहिद, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा हम जम्मू कश्मीर की जो है एक टीम बनाते हैं, तो उसने कहा इनिशिएटिव अच्छा है, तो हमने सर्च लगाया। ऐसे हमारे जम्मू के थे राजीव गिल सर, तो उनसे हमने कॉन्टेक्ट किया, तो स्टेट बॉडी थी यहाँ पे। उस दौरान एक टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज होने जा रहा था जम्मू में, तो हमको 5-6 प्लेयर हमने यहाँ पुणे से इकट्ठे किए। तो 6 स्टेट्स का वो टूर्नामेंट था जम्मू में 2014 में। तो हमने वो टीम बनाई, तो हमारी टीम 10 की बनी। हमें 11वां प्लेयर जो है वो एक साइंस कॉलेज था, तो वहां से एक लेबोरेटरी असिस्टेंट थे हमारे फिजिकल चैलेंज, तो हमने उनको लिया। हमने ऐसे 11 की टीम बनाई, और आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100+ बच्चा जो है मेरे पास अभी जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड है दिव्यांग क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन में। तो 2014 में सर हमने वो स्टेट लेवल टूर्नामेंट खेला। पहला मैच हमारा राजस्थान के साथ था, कॉम्बिनेशन नहीं बना क्योंकि हर एक अलग अलग उससे आया था, तो पहला मैच हम हार गए। लेकिन दूसरा मैच हमने हरियाणा को 135 रन जो है वो हमने चेस किए। हमारा कॉम्बिनेशन हमारा काफी अच्छा रहा। उस मैच में हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई नेट नेट रन रेट की वजह से, लेकिन उसके बाद जो हमारी टीम जम्मू कश्मीर की थी उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है, और आज की डेट में 100+ जो है स्टूडेंट जो है मेरे पास रजिस्टर्ड है। क्रिकेट की शुरुआत एक हमें हमें जानकारी है कि आप एक इंजीनियर भी थे, तो आपने इंजीनियरिंग के साथ साथ इस क्रिकेट को कैसे आप आगे ले गए? सर, इंजीनियरिंग का ये था, मैं 2007 और 8 और 9 3 साल मेरे इंजीनियरिंग में लगे। तो इंजीनियरिंग के दौरान क्योंकि वहाँ पे घर का भी प्रेशर कोई था नहीं, हॉस्टल में हम रहते थे, साल साल 1.5 साल के बाद हम घर वापस आते थे। तो हर संडे टू संडे हमारे जो है वो मैचेस होते थे। तो इवन ये है कि 4 से 5 बजे का जो टाइम 1 घंटे का हमें मिलता था, हम उसमें भी जो है क्रिकेट जो है खेलते थे। जब क्रिकेट का टाइम था हमने क्रिकेट को दिया, और जब हमारे एग्जाम आए तो उस वक्त हमने एग्जाम को तरजीह दी। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ जो हमारी क्रिकेट चलनी है वैसे ही चलती है। आप दिव्यांग क्रिकेटर हैं, दिव्यांग इसके लिए दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड है। हमारे दर्शकों को बताइए कि दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड आखिर है क्या, इसमें कौन कौन से सेक्शंस आते हैं? सर, फिजिकल चैलेंज क्रिकेट की मैं जहां तक बात करूं, तो दिव्यांग क्रिकेट के अंदर 4 किस्म की क्रिकेट होती है। एक होती है टफ एंड डम क्रिकेट, जो बच्चे जो है सुन नहीं सकते। एक होती है हमारी ब्लाइंड क्रिकेट, जो देख नहीं सकते बच्चे। उसके अलावा एक व्हील चेयर होते हैं, जो सिर्फ व्हील चेयर यूजर ही उसको खेलते हैं, वो अलग क्रिकेट है। उसके अलावा आ गई हमारी स्टैंडिंग क्रिकेट, जिसमें हम खेलते हैं। स्टैंडिंग क्रिकेट में और नॉर्मल क्रिकेट में फर्क सिर्फ इतना है कि हम 3 रनर आज की डेट में ले सकते हैं लेग डिसेबिलिटी वाले, और नॉर्मल क्रिकेट में वो रनर अलाउड नहीं है। बस बाकी लेदर बॉल से वो भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं। हेलमेट शेलमेट पिच ग्राउंड
और बाउंड्री जो है वो सेम ही रहती है जो नॉर्मल क्रिकेट में हमारी। दिव्यांग क्रिकेट की जो शुरुआत है, ऐसे तो पहले ही एसोसिएशन थी, एसोसिएशन 2007 से रन कर रही थी डिसेबल स्पोर्टिंग सोसाइटी के नाम से। देन नेक्स्ट 2019 में जाके ये बोर्ड बना, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि भारत सरकार के अंदर इस वक्त आई थिंक 65 या 64 गेम जो है वो रेगोनाइज है, लेकिन हमारी क्रिकेट चाहे मेन क्रिकेट की हो अभी तक उसको मान्यता इसलिए नहीं थी क्योंकि बीसीसीआई एक सेपरेट बॉडी, एक प्राइवेट बॉडी। तो दिव्यांग क्रिकेट को भी इसलिए अभी तक भारत सरकार से मान्यता नहीं मिली है, लेकिन हमने अपने लेवल के ऊपर जो हमने अभी तक प्रदर्शन किया, जैसे 124 मैच हमारे बोर्ड ने करवाए, 124 मैचों में 100 जो है भारत विजयी रही है। 2016 में हम एशिया कप विनर रहे हैं। इस बार आने वाले कुछ समय में आप जानेंगे कि दिव्यांग क्रिकेट का पहला जो है वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है 2024 में। एक सवाल ये बनता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी टीम, जैसे आपने बताया कि डिफ एंड डम की टीम है, व्हीलचेयर की टीम है, तो आपकी टीम किस कैटेगरी में आती है और किस तरह के खिलाड़ी आपकी टीम में खेलते हैं? सर हमारी क्रिकेट में स्टैंडिंग क्रिकेट इसको हम कहते हैं, इसमें जैसे किसी का एक हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, या बोथ लेग, ये अपना एक लेग एक पाँव नहीं है, 40+ डिसेबिलिटी जो है इसमें रिक्वायर्ड है। अब वो 70% भी जा सकती है, जैसे हमारे कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि बैसाखी के सारे, जिनकी एक टांग नहीं है वो बैसाखी के सारे खेलते हैं अपने बैट से, तो हमारी ये स्टैंडिंग क्रिकेट में आती है। जैसे आपने दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड के ग्रोथ की बात की कि पहले ऐसा कुछ नहीं था, एसोसिएशन था, फिर ये धीरे धीरे जाके अब एक रिकॉग्नाइज बोर्ड बना है, लेकिन अभी भी मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, तो हम जी, इसको किस तरह से देखा जाए कि खिलाड़ियों के लिए कितना बेटर है ये इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस? जहां तक मैं फाइनेंस की बात करूं सर, जब हमने स्टार्ट किया था तो मैं आपसे वो बात भी शेयर करना चाहूंगा कि जब हमने स्टार्ट किया था, जब हमारे नेशनल टूर्नामेंट कहीं होते थे, हमने इवन तक के धर्मशाला में भी रुके हैं, आश्रम में भी रुके हैं, एक एक रूम में छह छह सात सात प्लेयर भी हम रुके हैं, लेकिन उसको तरजीह हमने इस दिव्यांग क्रिकेट को बढ़ाने में। और आज की डेट में और आज से 10 साल जो पहली क्रिकेट थी, बहुत सारी चेंजिंग इसमें आई है, फाइनेंशियल के रूप में हिसाब से आप देख लें या फैसिलिटी के हिसाब से देख लें। पहले तो हमें कोई भी ग्राउंड जो मिलता था तो उसमें खिला देते, लेकिन हमने भी कभी इस क्रिकेट को बूस्ट करने के लिए ही वो इनिशिएटिव लिया था। तो आज की डेट में जैसे 5 स्टार होटल हमें मिलता है रहने के लिए, खाने के लिए अच्छा मिलता है, ग्राउंड अच्छा मिलता है, वही ग्राउंड मिलता है जिसमें हमारे रणजी प्लेयर्स जो है वो खेलते हैं, या इंटरनेशनल ग्राउंड होता है उसमें, तो काफी सारी चेंजेस जो है इसमें आई है। और मैं आशा करता हूँ कि इस वर्ल्ड कप के बाद, जैसे 1983 के बाद हमारी मेन क्रिकेट की जो दुर्दशा बदली थी, इसी तरीके से हमारी इसमें डिसेबिलिटी क्रिकेट की भी दुर्दशा जो है वो बदलेगी। आज की तारीख में हर कोई सैलरी की बात करता है, जैसे मेंस क्रिकेट में बात करें तो खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उन्हें पर मैच की फीस मिलती है। दिव्यांग क्रिकेट में कैसा सीन है, खिलाड़ियों को किस किस हिसाब से पे आउट मिलता है बोर्ड की तरफ से? सर अभी तक तो सैलरी का तो इसमें कोई है नहीं, क्योंकि जब बोर्ड के पास वेतन होगा तब वो हमें वेतन देंगे, नहीं आगे। अभी बोर्ड ने 2019 में अभी बोर्ड बनाया, सिर्फ बोर्ड को बने हुए सिर्फ 5 साल हो गए हैं, और कुछ ही हमारे पास जो कॉर्पोरेट जो है हमारे साथ जुड़े हैं अपने दिव्यांग क्रिकेट के साथ। तो धीरे धीरे जो है दिव्यांग क्रिकेट जब बूस्ट करेगा तो नेचुरली प्लेयरों को भी सैलरी जो है वेतन जो है वो मिलेगा। ऐसे तो हमें मैच के हिसाब से मिलता है, जैसे किसी मैच में हमें स्पॉन्सरशिप अच्छी खासी आती है तो उसमें जो खर्चा निकाल के जो होता है वो प्लेयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जी, अब हम बात करेंगे आपके कुछ रिसेंट मैचेस को लेकर। आपने आपकी टीम ने एक हाल में खेला है नेपाल के खिलाफ मैच, जहां तक मुझे याद है ये आगरा में खेला था वर्ल्ड कप में, तो जी, उसमें और जो आपने पहले खेला था 19 की बात कर रहे हैं, शायद कहीं और आपने खेला हुआ, तो उन दोनों में आप क्या डिफरेंस देखते हैं, किस तरह से ग्रोथ सर हुआ? पिछले जी, जैसे 2022 में हम यहाँ से नेपाल के खेलने के लिए काठमांडू, तो 2-1 से वो सीरीज हम विजयी रहे थे। उसमें हमने, हमारे बोर्ड ने जो है काफी न्यू बच्चों को इसमें चांस दिया था, क्योंकि नेपाल थोड़ी सी जो टीम है हमारी इंडियन टीम से वो काफी हल्की है, तो इसलिए न्यू कमर्स को बोर्ड ने सोचा कि न्यू कमर्स जितने हैं हम उनको चांस दें। तो 2-1 से 1 से हम फिर भी वो सीरीज जीते थे। उसमें मैं मैन ऑफ द मैच रहा, बेस्ट बैटर रहा, मैन ऑफ द सीरीज रहा, वन गेम चेंजर अवार्ड रहा, तो उसके साथ साथ मुझे भारतीय टीम का भी
कैप्टनसी करने का मौका मिला। और 2023 की जहां बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे नेपाल यहाँ पे खेलने आई थी आगरा में। तीन T20 मैचेस थे। तीन T20 मैचेस में पहले मैच में मैंने 97 रन लगाए और 192 हमारी टीम का स्कोर था। इसमें भी हमने 2-1 से विजय ली। एक मैच हमारा टाई हो गया जाके, और सुपर ओवर में नेपाल जो है वो जीत गई थी। तो लास्ट मैच में उनको हरा के हमने 2-1 से अपना T20 की सीरीज भी जीती। उसके साथ साथ दिव्यांग क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार टेस्ट मैच जो है दिव्यांगों का हुआ, उसमें मैं एज ए वाइस कैप्टन खेल रहा था टेस्ट मैच में। तो पहले टेस्ट मैच में मैंने 118 रन लगाए। पहला शतक जो है वो दिव्यांग क्रिकेट की हिस्ट्री में टेस्ट मैच में वो मैंने लगाया। तो मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस काबिल समझा और मुझे एक चांस दिया। तो मैं उनके चांस के ऊपर जो है पूरा उतरने की मैंने कोशिश की, और वो मैच हम एक इनिंग और 18 रन से हम जीते थे नेपाल के अगेंस्ट। सुना है दिव्यांग प्रीमियर लीग भी खेला जाता था पहले, दिव्यांग क्रिकेट को जी प्रमोट करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे उस पर? सर, दिव्यांग प्रीमियर लीग हमारा 2021 में हुआ था। 2021 उस वक्त भी कोरोना काल जो है काफी बुरूज के ऊपर था, तो हमारी टीम यहाँ से खेलने के लिए UAE की, काफी अच्छा टूर्नामेंट हुआ, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद हमारे कोई तकरीबन 25 या 26 प्लेयर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे वहाँ UAE में। उस वक्त बोर्ड ने उन बच्चों को, जब तक वो रिकवर नहीं किए तब तक बोर्ड हमारा वहीं UAE में टिका रहा, और पूरा उन बच्चों की ट्रीटमेंट करने के बाद बोर्ड जो है सबसे अंतिम में वहां से वापस आया। तो 2022 में हमारे प्रयास हो गए, लेकिन दुर्भाग्यवश ये दिव्यांग प्रीमियर लीग फिर से नहीं हो पाया। तो इस बार 2024 में डिफरेंट एबल क्रिकेट प्रीमियर लीग के नाम से ये आयोजन फिर से UAE में होने जा रहा है, और जल्द ही आप इसकी अनाउंसमेंट भी सुनेंगे। अभी 12 से हमारी इस टीम के जो है 8 टीमें इसमें बनी है, उनकी लोगो लॉन्चिंग का जो है तमिलनाडु में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, और उसके बाद जो है इसकी जो ही डेट्स अपडेट होंगी तो मैं जनाब से वो भी शेयर करूंगा आपके माध्यम से। जी, अभी आपने हाल में बताया कि लखनऊ में वर्ल्ड कप होने वाला है, दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? सर, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये लखनऊ में होने जा रहा है, और पहला ये वर्ल्ड कप है दिव्यांगजनों की हिस्ट्री का। इसमें 6 टीमें जो हैं वो एशिया की हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, और इसके साथ साथ 2 टीमें जो हैं यूरोप की भी इसमें आ रही हैं। 8 टीमों की ये टोटल वर्ल्ड कप है। हमने तो ऐसे, हमारे बोर्ड ने ऐसे हर एक बोर्ड को, जितने भी बोर्ड हैं दुनिया के, सबको इनविटेशन दिया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 8 टीमें ही इसमें कंफर्म हो पाई हैं। तो इन 8 टीमों का वर्ल्ड कप जो है लखनऊ में होने जा रहा है नवंबर में। नवंबर के फर्स्ट वीक में ये वर्ल्ड कप जो है दिव्यांगों की हिस्ट्री का होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है इस वर्ल्ड कप के बाद फिजिकल चैलेंज क्रिकेट की जो है दुर्दशा बदलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक अनअवेयर हैं हमारी इस गेम से। जब आप एक नॉर्मल क्रिकेटर को एक शॉट लगाते हुए देखते हो तो आपके मुंह से निकलता है वाओ व्हाट अ शॉट, लेकिन जब आप एक दिव्यांग जिसका एक हाथ नहीं है, वो एक हाथ से सिर्फ खेलता है, अगर उससे वो छक्का बाउंड्री के बाहर निकालता है, तो लोगों का भी यही रिएक्शन होता है कि हाउ, इसने कैसे कर दिया। इसलिए इस क्रिकेट की रुचि जो है जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट होगी तो लोगों में भी इसकी रुचि जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल क्रिकेट। कि हम दिव्यांग क्रिकेटर्स की बात कर ही रहे हैं, तो हाल के दिनों में एक आमिर हुसैन जी थे, वो जम्मू कश्मीर के साथ क्रिकेटर हैं, दिव्यांग क्रिकेटर हैं, उन्हें उनकी जी मुलाकात हुई थी सचिन तेंदुलकर के साथ। सचिन तेंदुलकर ने उन्हें काफ़ी प्रमोट किया। वो हाल ही में जी मुंबई जी में जो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग हुई थी वो उसमें आए थे, खेले भी थे। कैसे देखते हैं आप उनको? जी जी आमिर हुसैन लोन की जहां मैं बात करूं, होनहार बच्चा था, दुर्भाग्यपूर्णवश उसके दोनों हाथ जो है कटर में आके वो चले गए, लेकिन उसमें भी इंडियन आर्मी का काफी बड़ा रोल रहा उसकी लाइफ को बचाने में, सेव करने में, मैं आपको ये भी बताता चलूं। और आमिर हुसैन लोन जो है जम्मू कश्मीर टीम का हमारा एक हीरा है, मेरी टीम से वो खेलता है। तो सचिन तेंदुलकर के साथ उसका बचपन से ही लगाव था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को वो बहुत ज्यादा फॉलो करता था, तो
जब ये बात ऐसे 2-3 टूर्नामेंट में मीडिया में गई तो सचिन साहब के पास जब ये बात पहुंची तो उन्होंने स्पेशल, जब वो कश्मीर के, तो स्पेशल उनको ट्वीट किया और उनको फोन कॉल करके ये कहा कि मैं आपको मिलने आ रहा हूँ। तो यहाँ श्रीनगर में वो उनसे मिले, काफी अच्छी मुलाकात रही उनकी। उसके बाद जो इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग हुई तो उन्होंने उसको प्रमोट भी किया, और उस प्रमोशन के बाद आमिर सेन लोन की लाइफ जो है वो टोटली चेंज होगी, क्योंकि बहुत सारी जो सपोर्टिंग बॉडी थी जो सपोर्ट करती है दिव्यांगों को, तो उन्होंने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जिनमें आर्यन ग्रुप है, रिलायंस फाउंडेशन है, महिंद्रा 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 है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट किया, और आज की डेट में उसकी लाइफ जो है काफी अच्छी सेटल है ड्यू टू सचिन तेंदुलकर सर। कह सकते हैं सचिन ने एक तरह से दिव्यांग क्रिकेट को भी काफी प्रमोट कर दिया अमीर हुसैन के माध्यम से। जी, सचिन तो सर ऐसे भी क्रिकेटिंग में, उनको क्रिकेटिंग गार्ड कहा जाता है, और उन्होंने ये प्रूफ करके बता ही दिया एक आमिर हुसैन की माध्यम से। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि नॉर्मल क्रिकेट में क्या होता है, जो मेंस क्रिकेट इंडियन टीम है हमारी, उनमें अगर किसी को कोई चोट लग जाए तो उनके लिए एक एकेडमी है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जहाँ पर वो रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, सब NCA बोलते हैं। गवर्नमेंट जो BCCI है इसके लिए एक अच्छा खासा फंड प्रोवाइड करता है, बेंगलुरु में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर हम दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड में ये इसकी बात करें तो दिव्यांग क्रिकेटर्स के लिए क्या सुविधाएं, अगर वो इंजरीज होती है उन्हें वो कैसे कमबैक करते हैं? सर अभी तक तो ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं है, लेकिन इसमें जो नारायण सेवा संस्था है वो दिव्यांगजनों को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, बूस्ट करती है, और उनकी ट्रीटमेंट भी लगभग जो कोई उनसे अप्रोच करता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी की जाती है। तो नारायण सेवा संस्था हमारा एडवाइज एक ऐसा माध्यम है आज की डेट में दिव्यांगों के लिए, अगर उनको कोई ऑपरेशन करवाना होता है या किसी भी चीज की कोई ट्रीटमेंट होती है तो वो हमेशा हेल्पिंग हैंड हमारे रहते हैं और आगे बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते हैं सर इसमें। पैरालंपिक्स में क्या क्रिकेट को जोड़ा जाना चाहिए, दिव्यांग क्रिकेट को, क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, जैसे सर अब पैरालंपिक में अगर मेन क्रिकेट को भी ले रहे हैं तो दिव्यांग क्रिकेटर को भी चांस मिलना चाहिए, क्योंकि अभी पेरिस में जो ओलंपिक होने जा हो रहा है इसमें आपने देखा होगा अभी दो हमारे जो है ब्रॉन्ज मेडल इसमें आए हैं। तो जब पैरा की बात करते हैं, पैरालंपिक की, पैरालंपिक में आप देखेंगे जो मेन हमारे ये ओलंपिक्स है इससे ज्यादा मेडल आते हैं, क्योंकि वो बच्चे इसके लिए बहुत ज्यादा जो है तैयारी करते हैं, तैयार रहते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में पैरालंपिक का काफी बड़ा जो है स्कोप है दिव्यांग बच्चों को आगे ले जाने के लिए, और वो अपने देश का नाम जो है इसमें ज्यादा रोशन करते हैं। मेंस क्रिकेट देखते हैं आप? टीम इंडिया जी के जी मैचेस बिल्कुल देखते सर, हैं? वर्ल्ड कप देखे थे आप? बिल्कुल बिल्कुल भारतीय बिल्कुल टीम चैंपियन बनी थी तो बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत, मैं जो देख रहा था हम उस वक्त, हमारा एक रोहतक नहीं सोनीपत में सॉरी हमारे मैचेस चल रहे थे, तो 30 रन आई थिंक चाहिए थे कुछ, आखिरी 3 और गेंद में वहां हमने से जब करी। हमारी भारतीय टीम ने कमबैक किया वो सचमुच में अभी भी मुझे वो क्या कहते हैं वो जैसे यकीन नहीं होता ना वैसे ही मेरी आंखों को वो यकीन नहीं होता, और उसमें बहुत बड़ा रोल रहा हमारे बॉलर्स का, रोहित शर्मा सर का, तो जिन्होंने ये खुशी हमें पिछली बार नहीं मिल पाई थी तो इस बार हमें ये खुशी दिलाई। ये सपना पूरा होने जैसा था, 11 सालों बाद कोई चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर आई थी, इसका जश्न बिल्कुल भी मना बिल्कुल सर, हमने देखा दिल्ली में, मुंबई में। मुंबई में तो जी, सबने विक्ट्री परेड देखा ही। बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट होती है, और सबसे ज्यादा प्रेशर जो है मैं आपको बताता चलूं कि सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो कैप्टन के ऊपर होता है। कैप्टन को पहले अपने वो 11 प्लेयर भी देखने होते हैं, अपनी गेम को भी आगे लेके चलना होता है, और जो पूरे देश की नजरें उनके ऊपर होती हैं उसके ऊपर उतरना होता है, तो आई थिंक यानी कि डबल ट्रिपल आप प्रेशर समझ लो कि कैप्टन के ऊपर बार होता है। प्लेयर को सिर्फ ये है कि उसको अपनी परफॉर्मेंस ही देनी होती है, वो उसका ही जवाबदार होता है, लेकिन जो कैप्टन है ना सर उसको जो पूरे एक करोड़ समथिंग हमारे जो पीपल है उनका बोझ भी वो अपने सर लेके चलता है, वो प्लेयर्स का भी लेके चलता है, तो आई थिंक काफी अच्छा रोहित शर्मा सर ने इसमें निभाया है, और
हमें ये खुशी का मौका उन्होंने दिया। चलिए, भारतीय टीम की चर्चा हो ही रही है तो एक बात इस पर कर लेते हैं। अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, आपको शायद मालूम हो, जिसका होस्ट जी जी तो पाकिस्तान है। खबरें जी हैं जी कि भारतीय टीम पाकिस्तान ना जाए नहीं जाएगी। रिपोर्ट्स ऐसी कह रही हैं कि बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल को लेकर कोई फैसला करा सकता है आईसीसी की तरफ। आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए? सर, बीइंग एज ए क्रिकेटर अगर मैं देखूं तो बीइंग एज ए क्रिकेटर तो हमें किसी भी मुल्क से जो है वो खेलना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम एक ऐसी टीम है कि दुनिया की कोई भी आप टीम उनसे बढ़ा लो तो हमेशा जीतेगी ही जीतेगी। ये इतना हमें कॉन्फिडेंस है अपने प्लेयर्स के ऊपर। तो हाइब्रिड मॉडल अगर बन जाता है तो वो भी अच्छी चीज है। अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं बनता तब भी हम पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान में जाके उनको हम हराएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। आपके ये फेवरेट तो डबल क्रिकेटर खुशी, कौन है? ये तो सर डबल खुशी होगी ना कि वहां पे उनके हाँ, घर में जाके ही उनको हमने हराना है। आपके अगर फेवरेट क्रिकेटर की बात करें तो कौन है, जिसे आप आइडल मानते हो, जिसे आप फॉलो करते हो? मेरा सर एक ही आइडल रहा है हमेशा से, वो है महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि वो बहुत ही काम, जब कैप्टनसी की तब भी बहुत ही काम, ऐसे मैच भी उन्होंने निकाले हैं कि जिस वक्त हम ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, जैसे 2007 का हम वर्ल्ड कप ही ले लें, वो लास्ट ओवर जोगिंदर शर्मा से करवाना, जबकि कोई सोच नहीं सकता था कि मिसबाह उसको मार रहा था उसको ओवर मिलेगा। तो मेरा आइडियल हमेशा वही रहा है, तो मैं महेंद्र सिंह धोनी साहब को ही फॉलो करता हूँ। क्योंकि आप एक ऑलराउंडर हैं, आपने मैंने हमने देखा है नेपाल के खिलाफ आप अच्छे रन भी बना रहे थे और विकेट भी निकाल के दे रहे थे। एक कोई जी जी स्पेसिफिक ऑलराउंडर को आप फॉलो करते हैं? सर, ऑलराउंडर उससे पहले की मैं बात करूं तो युवराज सिंह जो स्टार्टिंग में जब आए थे तो उनको मैं फॉलो करता था, और उसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा लगाव हो गया तो फिर महेंद्र सिंह धोनी ही मेरे फेवरेट रहे। आखिर हमारा सवाल है, जो हमारे यंग लड़के हैं, जो दिव्यांग जी लड़के हैं, अगर वो क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कैसे आगे बढ़ें? जनरली क्या होता है, जैसे आपने बताया कि बहुतों को पता ही नहीं होता कि दिव्यांग क्रिकेट होता भी हो। 2019 में ये एक बोर्ड बन के आया सामने, पहले एसोसिएशन। तो आज के यंग जी लड़के कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर, दिव्यांग क्रिकेट के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर तो अक्सर बातें होती रहती हैं, तो इसमें जब हमारा ये दिव्यांग प्रीमियर लीग होगा या हमारा जब वर्ल्ड कप होगा तो ये सोनी के ऊपर लाइव होगा, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्लेयर या ऐसा कोई बच्चा रहेगा कि जिसको इस बारे में नॉलेज नहीं होगी। बहुत सारे हमारे कॉल्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, तो हमने अपने जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं सबके नंबर हम उनसे शेयर करते हैं। जैसे अगर मुझे कॉल आता है किसी तमिलनाडु साइड का तो मैं तमिलनाडु के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं मैं उनको उनका नंबर देता हूँ। तो ऐसे ही हर एक स्टेट कोऑर्डिनेटर ने अपनी अपनी एक एसोसिएशन जो है इसमें बनाई हुई है जो दिव्यांग क्रिकेट के साथ एफिलेटेड है। तो जैसे मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में हमने जेके दिव्यांग वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एसोसिएशन रजिस्टर करवाई है। इसमें हमने क्रिकेट को लिया ही लिया है, लेकिन क्रिकेट के हमने साथ साथ पैरा की जितनी गेमें हैं हम इसमें वो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी आप हम सब देख रहे हैं, लाइव चल रहा है पेरिस ओलंपिक्स 2024। भारत ने दो तीन मेडल अब तक ला दिए हैं, ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। क्या आपका संदेश है हमारे एथलीट्स को? बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट सर, जब आप एक स्टेट रिप्रेजेंट करते हो तब आपके लिए बहुत ज्यादा खुशी होती है कि आप इतने बंदों से निकल के आप आते हैं। जब आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो उसमें जब आप कहीं ब्रॉन्ज लाते हैं या गोल्ड लाते हैं या सिल्वर लाते हैं तो उससे प्राउड मोमेंट मुझे नहीं लगता कोई पूरी लाइफ में आपको होगी। तो मैं आशा करता हूँ, अभी तो हमने 3 लाए हैं तो मैं आशा करता हूँ ये 30 से ऊपर जाए संख्या, हमें चेयर करने का और ज्यादा मौका मिले। और उसके साथ साथ मेरा एक ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि भारत सरकार के जो भी हमारे एथलीट हैं इनके लिए कोई स्पेशल ऐसे पैकेज भी होना चाहिए कि जिससे ये एथलीट अपनी पूरी तैयारी के साथ खेलें और खेलने के बाद उनको वो सम्मान मिलना चाहिए जो आज की डेट में रोहित शर्मा, विराट कोहली या हमारे दिगर जितने दिग्गज जो हैं एथलीट हैं उनको मिलता है। क्योंकि हम जैसे हमारे ब्रॉन्ज मेडल आया हमारी बहन ने तो उसको हम आज से जानना लगे, जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा इनको हम सालों से जानते हैं,
मेरा भी यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम इनको प्रमोट करेंगे, इनकी ग्लोरी को प्रमोट करेंगे, तो हमारे यंगस्टर जो है इनसे सीख के तो इंस्पिरेशन लेके वो भी कल को इनकी जो एथलीट है उसमें जो है भाग ले सके। हम भी उम्मीद करते हैं कि दिव्यांग क्रिकेट आगे बढ़े, प्रख्याति हासिल करे। नवंबर में जो वर्ल्ड कप होगा, उम्मीद करते हैं इससे आगे बढ़ोतरी मिलेगी इस क्रिकेट को, दिव्यांग क्रिकेट को। और जिस तरह से भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत कर आई और विक्ट्री परेड किया मुंबई में, तो चाहते हैं कि हमारे दिव्यांग क्रिकेट टीम भी ऐसी करे और लोग उन्हें ऐसा सपोर्ट दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। इंशाल्लाह सर, मुझे भी उम्मीद है कि जब हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है उठाएंगे तो इंशाल्लाह जितना जश्न मेन क्रिकेट का मना है तो उससे बढ़ चढ़ के जश्न जो है लोग हमें भी प्यार करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना जी कीमती समय धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।